Let's start, students. Students, today we will discuss about RNS exam 2016. Right? So, very first question is, choose the correct spelling. बहुत easy portion है ये first वाला तो मतलब it's too easy है ना? Now what you have to do, you have to choose the correct spelling from the given options. करेक्ट. सो चलिए, फर्स्ट इज एक्सेलरेट. राम पापा को फोन. फर्स्ट इज एक्सेलरेट. एक्सेलरेट के करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे बेटा, सेंड मी इन द चैट बॉक्स. हाँ जी, गुड. ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है. ACCELERATE, एक्सेलरेट, राइट. कोई चीज को एक्सेलरेट करें, है ना. नेक्स्ट इज, ये क्या होगा हमारा, पहले तो इसके प्रोनाउंसिएशन ही बता दो मुझे. कौन बताएगा, रेज हैंड. Who is going to tell me the pronunciation of this? Wait. Yes, you. Please. Ma'am, option D, champagne. Champagne? Ma'am, campaign. Campaign. ठीक है, campaign. Okay. यही मैं पूछना चाह रही हूँ. ठीक है. So the answer is, of course, option D, क्योंकि X से नहीं होता, डबल M नहीं आ सकता है. ठीक है, डबल A साउंड बहुत लंबा हो जाएगा, कैंपेन हो जाएगा, राइट. वो नहीं होना चाहिए कैंपेन, तो ये CAMPAIGN, राइट. नेक्स्ट, नर्सिंग, बहुत इजी है ये. नेक्स्ट वर्ड इज नर्सिंग. जल्दी से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में. वेरी गुड योग, लक्ष्य, यास्मीन, देवांश, वेल डन. इट्स बी एन यू आर एस ई आर वाई, नर्सरी, राइट. गुड. नेक्स्ट इज कमेटी. ये नहीं हो सकता, कमेटी कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है. ठीक है, ओके. क्या स्पेलिंग होंगे कमेटी के? Yes, right. COMCOMMITTEE, committee. Next is descendant. Sound पे देखिए, word आप pronounce करेंगे ना तो आधे spelling वहीं से clear हो जाते हैं हमारे. Descendant. Of course, option A बहुत easy है. Well done. DESCENDANT, descendant, right. Next हमारा portion है बच्चे reading comprehension. But before reading the post passage, what we need to read? We need to read questions. So start reading questions with me. First question is, the letter is written by a father to. अब समझना है question को, हाँ. द लेटर इज रिटन बाय फादर. फादर ने लेटर लिखा किसको? हिज एम्प्लॉयर, हिज फ्रेंड, हिज टीचर, सन्स टीचर और हिज सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन वॉज गिवन द टास्क ऑफ. सन को टास्क मिला था किस चीज का? राइटिंग एन एसे, कंपोजिंग अ पोएम, डूइंग मैथ सम्स और राइटिंग अ लेटर. क्या काम मिला था? चलो नेक्स्ट देखते हैं. देवेंश, आंसर देने से पहले बेटा, गलत आपका ये आंसर, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, देन हम प्रेसेंट पे चलेंगे, फिर आंसर देना. ओके, नेक्स्ट क्या है? द फादर स्टॉप हिज सन
फ्रॉम सबमिटिंग द टास्क, फादर ने बेटे को रोका टास्क को सबमिट करने से, बिकॉज क्यों? इट वॉज बैडली रिटन, बहुत खराब लिखा गया था. इट वॉज टू फनी टू रीड इन द क्लास, और इट कंटेन टू मेनी डिटेल्स, बहुत ज्यादा डिटेल्स थे उसमें, और इट वॉज नॉट अ गुड टास्क, या फिर ये अच्छा टास्क नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर थॉट दैट सबमिटिंग द टास्क वुड कॉज, अगर टास्क सबमिट हो गया तो क्या कारण, क्या रीजन रहेगा इसका, क्या होगा इसके बाद में? द स्कूल स्टाफ टू लाफ, द टीचर्स टू गेट एंग्री, और द हेडमास्टर टू स्कोल हिज सन, और हिज सन टू क्राई. लास्ट क्वेश्चन, द फादर थॉट दैट हिज सन शुड बी पार्डन बिकॉज, इसके बच्चे को माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ही वाज स्मॉल, छोटा है वो, या फिर ही कंप्लीटेड हिज टास्क, गिवन टास्क, ओके, या फिर इट वाज ही हु स्टॉप्ड हिम फॉर कंप्लीटिंग इट, या फिर वही है जिसने उसे कंप्लीट करने से रोका, वो तो कर रहा था. नेक्स्ट, इट वाज हिज वाइफ हु टोर आउट द पेज, या फिर उनकी वाइफ ने उनके पेजेस को टोर कर दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग, let's start reading the passage first. So please read with me. Students, कोई भी ऐसा ना हो जो ना पढ़े, सभी मेरे साथ पढ़ेंगे, right? Dear sir, I feel I ought to write about Tommy's essay work last night. Of all the subjects you have said, this seemed the most unwise yet. कि अब तक का सबसे unwise test लग रहा था, वर्क लग रहा था जो आपने दिया था. डिस्क्राइब योर फैमिली, काम क्या था कि अपनी फैमिली डिस्क्राइब करो. टॉम रोट इट सो वेल, आई जस्ट हैड टू स्टॉप इट बीइंग हैंडेड इन, क्यों मैंने हैंडेड इन करने से उसे रोका, क्यों? सो डिड माय वाइफ, ठीक है. द डिटेल ऑफ आवर फैमिली लाइफ आर नॉट सच काइंड, अलास, उदासी के साथ, अलास इज यूज्ड टू शो रिग्रेट या दुख, ठीक है. That I should want them read in class, कि मैं उसे क्लास में पढ़ने दिए देना चाहता, ऐसा कोई खास डिटेल है नहीं, ठीक है. We didn't wish the high school staff to read them for a lunch hour laugh, कि मैं नहीं चाहता कि हमारा जो फैमिली डिटेल है लंच आर लाफ के टाइम जो स्टाफ है स्टाफ रूम में बैठ के पढ़े और हंसे, ठीक है. We tore it out, हमने उसे फाड़ दिया. I realize you may think what we did unwise, but it give it your consideration and please accept my explanation. I trust you will not blame my son for, after all the work was done, kyunki kaam usne kiya tha. So I think ki aap use blame mat kijiye kyunki humne स्टोर कर दिया, क्यों? क्योंकि एक्सेस डिटेल थी उसमें हमारी फैमिली की, और वो अनवाइज लग रहा था मुझे नहीं लग रहा था कि वो वहां पे जाना चाहिए. सो हमने उसे खत्म कर दिया कि मत चाहिए ये काम, ठीक है. उसने किया था तो आप उसे ब्लेम मत कीजिए. एक्चुअली हैरोल्ड हनीबेन ये नाम है पर्सन का, राइट? रीड किया सबने मेरे साथ? यस बच्चा, सभी ने रीड किया? Yes, then show me thumb sign. Athar. Okay. Now, kya hai? The first question is, letter is written by father. Father ne letter kisko likha tha? Of course, employee ko nahi likha. Friend ko nahi likha. Son ko nahi likha. Son's teacher ko likha. राइट. नेक्स्ट, द सन वॉज गिवन द टास्क ऑफ, सन को क्या टास्क मिला था बेटा? द सन वॉज गिवन द टास्क ऑफ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जैसे मैंने अभी एलिमिनेशन टेक्निक यूज की, आप भी कर सकते हैं. कंपोजिंग अ पोएम नहीं मिला था. डूइंग मैथ सम नहीं. राइटिंग अ लेटर नो. एक ऐसे लिखना था, किस पे? फैमिली पे. डिस्क्राइब योर फैमिली. नेक्स्ट, The father stopped his son from submitting the task. Father ने submit करने से, task करने से रोका, क्यों? It was badly written. No, अच्छा लिखा था उसने तो, गलत हो गया ये तो, है ना? It was too funny to be read in the class.
ओके होल्ड करते हैं, ये कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है ना। इट कंटेन टू मेनी डिटेल, ठीक है आंसर हमारे दोनों ही लग रहे हैं, ठीक है इसको भी होल्ड करते हैं। नाउ इट वॉज नॉट अ गुड टास्क, उसने सबमिट करने से इसलिए क्योंकि वो कहता है कि टीचर्स की वो लाफ का एक क्या है सोर्स बन जाएगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नो डाउट सी भी ठीक है, बहुतों ने सी आंसर किया है, सी भी ठीक है, बट वी नीड टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि उसमें उसमें सेंटेंस था, एक गिवन था कि आई डोंट वॉन्ट कि जो ये मेरा जो इसने ऐसे लिखा था हमारी फैमिली पे, वो टीचर्स के लंच ब्रेक लाफ का एक कोई रीजन बने, राइट right? सो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फादर थॉट दैट सबमिटिंग द टास्क वुड कॉज, कि जो टास्क सबमिट करना है वो क्या मतलब इसका क्या रीजन अफेक्ट क्या होगा, क्या इसका इफेक्ट बनेगा, स्कूल स्टाफ टू लाफ, टीचर टू गेट एंग्री, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था कि टीचर गेट एंग्री हो जाएगा, हेडमास्टर स्कोल्ड करेगा ऐसी भी कोई बात नहीं थी, सन रोएगा ऐसी भी कोई बात नहीं थी, तो फिर क्या था, स्कूल स्टाफ हंसेगा, ऑप्शन ए राइट। सी अमेजिंग थिंग क्या है, हमने एक बार रीड किया, बहुत अच्छे से रीड किया, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और यही नहीं है, बिलीव मी इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस टेक्निक इन योर एग्जाम ना यू विल गेट योर 5 मार्क्स कंप्लीटली, ये 5 नंबर पूरे है। ओके द फादर थॉट दैट हिज सन वुड बी पार्डन बिकॉज, सन को पार्डन माने माफ कर दिया जाए, क्यों, ही वाज स्मॉल, नो छोटे बच्चे के तो मतलब गलती तो गलती है, ठीक है। नेक्स्ट ही कंप्लीटेड द गिवन टास्क, अच्छा उसने कंप्लीट किया था, किया तो था, इसको होल्ड पे डालते थे, देन इट वॉज ही हु स्टॉप्ड हिम फ्रॉम कंप्लीटिंग इट, ये वो था जो उसे उसने कंप्लीट करने से रोका, उसने तो लिख लिया था ऑलमोस्ट, मैंने उसे रोका, ठीक है। और वाइफ ने टॉल करते हैं, वाइफ का टॉल करने की कहीं बात नहीं आई, उसने रोका था उसे सबमिट करने से, तो उसे माफ कर दिया जाए, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज सी, राइट, क्लियर है बच्चे, वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।